हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सुबह से इन्होंने आपके बारे में सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा। तो यही सब सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं चैनल पर, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, और अपने सवालों का जवाब आप जानना चाह रहे हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए सुबह से इस पर्सन की एनर्जीज क्या रही हैं, किस तरह के थॉट्स इनके मन में आज सुबह से चलते रहे हैं, गाइड कीजिए। टेन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या थॉट इनके मन में चलते रहे हैं सुबह से, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, थ्री ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है द सन। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर थ्री यानी कि मार्च मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो पास्ट में आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझूंगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अगेन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नंबर या ये मंथ आपको कैसे लेने हैं। जैसे अगर आपका रिश्ता 3 साल का था और 3 महीने से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इस तरह के इश्यूज को फेस कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो इस तरह से आपको ये नंबर्स लेने हैं। या फिर हो सकता है आपका रिश्ता और भी ज़्यादा समय का था और 3 साल आपको हो गए हैं नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को फेस करते करते, या फिर मार्च मंथ एक स्पेसिफिक मंथ आपके लिए बन गया था, जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ, आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आप लोगों की एनिवर्सरी थी, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेने होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है, मैं अगेन आपको ये चीज़ें कहना चाहूँगी। एनर्जीज मुझे यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको 333 नंबर भी यहाँ पर दिखता हो, एंजल नंबर 333। ठीक है, उसके अलग मुझे देखिए काफ़ी लोगों के केस में बेसिकली कोई थर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, एज इन कि ये थर्ड एनर्जी जो है आप लोगों के बीच में चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग के नाम से आई हो, चाहे ट्रस्ट इश्यूज के नाम से आई हो, कोई और एनर्जी आप लोगों के बीच में आ गई हो, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर एक थर्ड एनर्जी भी आप लोगों के केस में दिख रही है, जो बेसिकली आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच कर लेकर गई है। ठीक है, एनीवे सवाल तो हमारा यहाँ पर ये है कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना, क्योंकि अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हैं, जिसके भी साथ हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। वहाँ पर ये पर्सन जो चाहते हैं अपनी
जीवन में सफलता या फिर एक मुकाम हासिल करना या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल करना जिसका कभी ये शुक्राना कर सके यूनिवर्स को, डिवाइन को, वो चीज़ें क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में नहीं आ पा रही हैं, एज एन समय तो जाता जा रहा है लेकिन इस पर्सन को वो खुशियाँ नसीब नहीं हो रही हैं, तो ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट करे हैं, बहुत काम करा है, स्टिल मेरे हाथ कुछ नहीं मिला है, सब चीज़ें बिखर कर रह गई हैं, तो वो एनर्जीज़ इनकी सुबह से रही है, जिससे बेसिकली ये पर्सन चाह रहे थे कि मैं बस छोड़ छाड़ कर अब ये कोई एफर्ट नहीं करने, कोई एक्शंस नहीं लेने, बस मुझे छोड़ छाड़ कर अपने मन को, मन की शांति की तरफ मुझे जाना है, तो वो एनर्जीज़ है। यानी कि ये पर्सन सुबह से पहली चीज़ तो किसी भी तरह से मन से शांत नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें इनके मन में चलती रही हैं जो स्ट्रेस दे रही थी, जिससे ये भागना चाह रहे थे, जिससे बेसिकली अपने आप को दूर करना चाह रहे थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इससे भागने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना फोकस जैसे अपने काम पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो नहीं लग पा रहा था। देखिए काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, काम पर लगे हुए तो हैं लेकिन माथे पर एक शिकन है और एक शिकायत है, वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे ना आपके साथ जो भी कुछ हुआ, अच्छा बुरा, कैसे आप मिले, कैसे आप बिछड़े, किन हालातों में आप मिले, किन हालातों में आप बिछड़े, उन सबको ना बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यानी कि कह सकते हो कि अपने आपके साथ जो भी इनके पास्ट के एक्सपीरियंस हुए हैं, चाहे अच्छे थे बुरे थे, ये उन सबको खोल कर अपने सामने एक फ्लैशबैक की तरह देखने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी वजह यहाँ पर ये थी ताकि ये पर्सन एक सटीक डिसीजन ले सके कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इन्हें जाना है, ज़िंदगी में इन्हें क्या अचीव करना है या क्या अचीव करके अल्टीमेटली इनके मन में इन्हें शांति मिलेगी। तो वो एनर्जीज़, वो थॉट इनके मन में बहुत ज़्यादा चलते रहे हैं, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे ये अपने जीवन में खुशियों को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज़ में थी कि बस अब मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में खुशियों को लेकर आना है, मुझे एक डिसीज़न लेना है, वो एनर्जी इनकी रही। अब ऐसा तो है नहीं कि खुशियाँ इन्हें बाज़ार में मिलती हों कि भाई पैसा देकर पैकेट में भरवा के खुशियाँ ले आओ, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो बेसिकली आप जैसा करोगे उसी हिसाब से आपको खुशियाँ मिलेंगी, उसी हिसाब से आपको मन का सुकून मिलेगा। तो इस पर्सन ने जो ख़रीदा है वो इन्हें मिल रहा है, जो इन्होंने करा है वो इन्हें मिल रहा है। अल्टीमेटली हमें ये चीज़ें नहीं देखनी, मेन यही देखना है कि ये पर्सन सुबह से काफ़ी सैड एनर्जी में रहे हैं, किसी तरह का दर्द इनके मन में चल रहा था जिससे ये हील होना चाह रहे थे, जिससे ये निकलना चाह रहे थे, वो एनर्जीज इनकी रही है। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से जो भी आपके साथ इनके पल थे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपकी लाइफ से जैसे दबे पांव चले गए हों, एज एन आपको बताया ही नहीं कि आपकी लाइफ से जा रहे हैं, चाहे आप इनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, डजंट मैटर, बट ये चुपचाप दबे पांव अपना सामान वामान पैक करके आपकी लाइफ से गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में ये वाइब्रेशंस भी मुझे दिख रही है, और हो सकता है ये पर्सन उसी का आज सुबह से स्ट्रेस ले रही हूँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें टैरो से पता चलेंगी। तो अगर अभी तक आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है यहाँ पर, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड दीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए किस चीज़ का ये पर्सन सुबह से बेहद ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, गाइड कीजिए, बताइए किस चीज़ की ये बर्डन थी, गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए बेसिकली वही चीज़ आई है कि ये पर्सन, इस पर्सन ने अपने मन मुताबिक जहाँ जहाँ पर काम करा है, चाहे आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था उसे सही करने के लिए इन्होंने जो काम करा हो, पेंटिकल्स पे काम करा हो, अपनी वर्क एरिया पे जो भी इन्होंने काम करा हो, उन सब सूरतों में इस पर्सन को बेहद ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आज सुबह से ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि ये पर्सन जैसे बहुत सारी पीछे की चीज़ों को इवैल्यू
मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि काम करने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे उतना ज़्यादा इनका ध्यान उस काम में नहीं लग रहा था। वजह यहाँ पर यह है कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बदले में मुझे उस के मन मुताबिक रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब ये काम ऐसा नहीं है कि इनके वर्क एरिया की ही बात करी जा रही हो, अगर आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे सही करने के लिए अगर इन्होंने कभी अपने अकॉर्डिंग वर्क करा है तो डेफिनेटली उसका भी स्ट्रेस है, ये भी एनर्जीज है। ठीक है, क्या सोचना रहा है आज सुबह से इस पर्सन का, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एम्प्रेस, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन सुबह से आपके बारे में तो सोच रहे हैं, एज एन कि ये पर्सन आपसे भागे हैं, चुपचाप आपको छोड़कर भागे हैं, या फिर कहकर भी भागे हों, दोनों ही सूरतों में भागना तो भागना होता है, जाना तो जाना ही होता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहे थे कि ये क्या सोच कर आपके जीवन से गए हैं, आपकी लाइफ से इन्होंने जाने का डिसीज़न क्यों लिया है, तो ये उस वजह के बारे में भी सुबह से सोच रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चाहे वो वजह थर्ड पार्टी हो, ट्रस्ट इशू हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वही बात यहाँ पर भी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के मामले में इस पर्सन की सुबह से क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्स, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है विद दिस पेज ऑफ सोर्स कार्ड, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी रही है इन्हें आपके बारे में जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके बारे में अभी इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा हो या फिर पता चल रहा हो, दोनों ही सूरतों में क्यूरियसिटी इस पर्सन के मन में सुबह से रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उस के साथ किस तरह से आपका जेस्चर है, एज इन कि आप वो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उन चीज़ों से आप खुश हो, सैड हो, सेटिस्फाई हो, यानी कि आप उन चीज़ों से किस तरह का रिएक्शन दे रहे हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियसिटी इस पर्सन के मन में रही है, तो ये एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है आपको इसी मामले में इन्होंने आपके स्पाई करा हो सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिवेट हो या अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो तो उनसे थोड़ी सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में बातचीत करी हो आपके बारे में, तो ये एनर्जीज है। और ऐसा करने की वजह मैंने आपको बताई कि मन में एक शांति नहीं थी, मन में एक सुकून नहीं था, एक बर्डन इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी इनकी ना हर तरफ जैसे इन्हें लेकर जा रही हो, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। काम का स्ट्रेस, आपकी लाइफ से जाने का जो भी गलत फैसला लिया उसका स्ट्रेस, आपके साथ बीते हुए जो भी पल थे वो याद आ रहे थे, अब उनका भी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों की वजह से ही इनकी खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं, तो वो एनर्जीज इनकी रही है। थ्री ऑफ सोर्स के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए, बताइए। देखिए सेवन ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन ना, इस पर्सन ने ये जो भी जाने का डिसीज़न लिया है ना आपकी ज़िंदगी से, ये इसने थर्ड पार्टी की वजह से लिया है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को जैसे इसी चीज़ का मलाल हो रहा हो कि मैंने इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर ना जाने का डिसीज़न तो ले लिया, चीटिंग तो कर ली, इस रिश्ते में ईमानदारी तो नहीं निभाई, लेकिन ये लिया हुआ डिसीज़न मुझे कहीं ना कहीं मन में शांति नहीं दे रहा है, ये लिया हुआ डिसीज़न मुझे बार बार गिल्टी क्यों फील करा रहा है, या बार बार मुझे आपकी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्यों याद आ रही है, और जब भी याद आ रही है तो वो चीज़ें मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं, वो एनर्जीज़ इनकी रही है। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी तो इस पर्सन के मन में रही है, ये एनर्जीज़ तो 110% यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत करा है ना वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से करा है, उसकी बातों में आकर करा है, ये एनर्जीज़ है। ठीक है, बहुत मैन्युपुलेटिवली आपसे बात करने लगे हों, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट इनके मन में चले हैं, द चैरियट। बेसिकली यहाँ पर यह दिख रहा है सुबह से इस पर्सन की जैसे विल पावर जो है, जो ये अभी तक बहुत कंट्रोल में करे बैठे थे अपने घोड़ों को, अपनी विल पावर को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, ये बहुत ज़्यादा कस के जो पकड़े हुए बैठे थे ना काफ़ी लंबे समय से, वो जैसे इनके हाथ से छूट रही हो, वो इनकी एनर्जीज रही है सुबह से। ठीक है, देखिए अभी तक डेफिनेटली जो भी इनके मन में अच्छा था, बुरा था, जो भी चल रहा था, सबको बहुत कस के इन्होंने पकड़ रखा था, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें इनकी ना बहुत ज़्यादा
इनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, इसी रीज़न की वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रही है, ये एनर्जीज है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए, बताइए क्या एनर्जीज रही इस मामले में इनकी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहे, एक ऐसे थॉट के बीच में घिरे रहे जिसमें एक डिसीजन भी लेना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को डिफेंड करके चलना है, जो भी इस रिश्ते को ख़राब करने का ब्लेम है वो किसी तरह से मेरे ऊपर ना आ जाए, या फिर मैं कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट रहूं, मेरे ऊपर किसी तरह का ऐसा आरोप ना आए कि भाई जिससे मेरी इमेज ख़राब हो, तो कोई ऐसा डिसीज़न लेना है इन्हें, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन पास्ट से लेकर अब तक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो ये एनर्जीज रही ताकि ये पर्सन एक तो अपने मन में शांति और सुकून लेकर आ सकें और दूसरा अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट भी चल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की जो खुशियों का गला घोटा गया है वो इनके हाथों से घोटा गया है, तो वो एनर्जीज भी इनकी रही है, एज इन कि इन्होंने ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीटिंग वाली एनर्जीज़ को लाकर खड़ा करा, अपने ईगो को इन्होंने इसमें लाए, या फिर थर्ड पार्टी को इन्होंने इन्वॉल्व करा, या इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को हार और जीत का मैदान बनाकर इन्होंने रख दिया, जिस मैदान से अल्टीमेटली भागे भी ये खुद ही हैं। देखो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स कि इस मैदान में पहले तो लड़े, वहाँ पर जीते और भागने वाले भी ये रहे, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। यानी कि ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो ये पर्सन ना अपनी ही गलतियों को रियलाइज़ कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन क्योंकि बहुत ढीठ हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत दिमाग से चीज़ों को ले रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से मन में बेचैनी तो हो रही थी लेकिन उन्हें एक्सप्रेस या जाहिर नहीं कर रहे थे, एक मलाल तो था लेकिन उन्हें जाहिर नहीं कर रहे थे, वो एनर्जीज है। ठीक है, पॉसिबिलिटी दिख रही है काफ़ी लोगों के केस में कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, ईगो क्लैश हुए हों, इस पर्सन ने आपको काफ़ी गलत वर्ड्स भी बोले हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। चलिए इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, आखिर ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई बेसिकली सोच तो ये आपके बारे में ही रहे हैं सुबह से, ये तो एनर्जीज हमें बहुत हद तक दिखाई दी। ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। तो पहले तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, यानी कि नहीं, ये तो चीज़ें समझ में आ रही हैं सुबह से कि आपसे शादी करने का, या अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो अगर इसी रिलेशनशिप में ये बने रहते हैं ना तो अल्टीमेटली सब चीज़ें ने मिल जाएंगी, खुशियाँ भी मिलेगी, मन का सुकून भी मिलेगा, गिल्ट से बाहर भी निकल जाएंगे, इमेज भी सही हो जाएगी, और ये जो अपने आप को डिफेंड कर ने वाली एनर्जीज में है ना, तो वो भी इनको कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड भी नहीं करना होगा, तो वो इनके मन में इच्छा चल रही थी आपसे कहने की, कि आपसे बोले कि या इसी शादी में रहना चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं, उसके अलग ही आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे थे कि ये ना अभी बेसिकली चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं कि किससे क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन रहे हैं, जैसे कि पास्ट में कुछ बुक्स लिख रखी हूँ और उन सब चीज़ों को पढ़ रही हूँ अगेन एंड अगेन, तो वो एनर्जीज़ रही, या आप दोनों के बीच में जो चैट हुई है, मैसेज हुए हैं, लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है उसे पढ़ रहे हो, उसे रिवाइंड कर रहे हो, तो वो इनकी एनर्जीज़ रही। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्हें ज़रूरत है थोड़ा से और वक्त की ताकि ये चीज़ों को फिगर आउट कर सके। ठीक है, और देखते हैं, आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं सुबह से कि आपको कॉल और टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन तो डेफिनेटली इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा रहा है और आपको छोड़कर जाने का मलाल भी इस पर्सन के मन में सुबह से बहुत रहा है। ठीक है, अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी, तो ये पर्सन देखो मैंने आपको यही बातें बोली, आई डोंट थिंक सो कि आप कितना फोकस्ड होकर रीडिंग को देखते हो। देखिए मैंने आपको यही बोला कि आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो चीज़ें ना इस पर्सन को आज भी
उन वो उसका असर ना आज भी इस पर्सन के ऊपर पड़ता है, चाहे अच्छे वे में हो बुरे वे में हो, ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस पर्सन के ऊपर इस कनेक्शन का, कि आपका कनेक्शन बार बार इन्हें इनकी गलतियों को रियलाइज़ कराता है। ठीक है, तो यही आपसे ये कहना चाह रहे थे सुबह से, गाइड कीजिए। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, तो ऑब्वियसली कैसे ये ओपन अप हो जाएंगे, ये भी वही बात हो गई। एक्चुअली में मैंने आपसे यही बोला कि देखो गलतियों का एहसास है, लेकिन ओपनली चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें खराब हुई वो भी एहसास है, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे लिए बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं ओपन होकर ये सब चीज़ें या अपनी गलतियों को मैं मान लूँ, लेकिन वो चीज़ें मान नहीं रहे हैं तो वो परेशान कर रही हैं इन्हें। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे से और कोई कंपेयर नहीं कर सकता, या तुम्हारा कंपेयर बेसिकली किसी और से नहीं करा जा सकता, तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यही चीज़ें बताई जो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं टैरो के माध्यम से। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए। पहले है गोल्ड, एक्सपेक्टेशंस, वॉइस एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेस्ट। तो देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ना आप ये एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़ दीजिएगा। एज एन कि जैसे आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरे लिए ऐसा करे, ये मेरे लिए और चार लोगों को छोड़कर आए, ये मेरे लिए उनके खिलाफ जाए, तो ये बेसिकली आपकी एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हो पा रही है। और जब वो पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उन चीज़ों से परेशान हो रहे हो, अपना खून जला रहे हो या अपने आप को डिस्टर्ब एनर्जी में पहुंचा रहे हो। तो आपसे ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो ये स्टॉप कर दीजिए किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की। उसकी बजाय आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अपने आप से रखो, और अपने आप से ये सोचो कि क्या मैं इन चीज़ों को खुद से फिक्स कर पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा सकती या नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों से अपने आप को थोड़े समय के लिए साइड कर लीजिएगा। और इन सब चीज़ों के सवाल ना आपके मन में खुद के ही मन में हैं, यानी कि आप खुद जानते हो इन सब चीज़ों के कि भाई ये बंदा जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी फुलफ़िल नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि इसके अंदर इतने गट्स है ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको अपने मन से समझनी होंगी, क्योंकि ये आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आप तो भाई अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी समय बिता चुके हो, आपको पता है कि कितनी हिम्मत इनके अंदर है और कितनी नहीं है, और उन्हीं के बेसिस पर फिर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, अपने एक्शंस लेने हैं या जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो वो चीज़ें करनी है। तो ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो इसीलिए परेशान हो रहे हो, इसीलिए 24 घंटे इनके बारे में सोच रहे हो। जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम मैं क्यों 24 घंटे इसके बारे में सोच रही हूँ या रहा हूँ। उसकी वजह है आप जो इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे, उम्मीदें लगाकर बैठे थे ना, वो पूरी नहीं हुई हैं, और वो चीज़ें ना आपको परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें ना आपका मन बार बार बेचैन कर रही हैं, जैसे इस पर्सन का मन सुबह से बेचैन हो रहा है इसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है, और ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़ कि सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर जिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।